सुभाष चंद्र बोस के बराबर देश में किसी ने कुर्बानी नहीं दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने देश की आजादी के लिए जितनी कुर्बानियां दी, देश के लिए उतनी कुर्बानी किसी ने भी नहीं दी। ये कहना है भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी का, जो मुंबई के लोखंडवाला इलाके में आयोजित दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। और हमने जो है किताब रिलीज करी है, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री, किसने भारत को आजाद कराया, असली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देन है, जो कि ये बिल्कुल छुपा दी गई, दबा दी गई। और हमारे जो सैनिक थे INA के, उनको तो फौज में वापस नहीं लिया गया, जी जी जी। उनकी पेंशन रोकी गई, जी जी। उनका नाम कहीं पत्थर में आपको नहीं मिलेगा, जबकि 60,000 की फौज में से 26,000 शहीद हुए, 26,000, इतनी बड़ी कुर्बानी शायद ही किसी और फौज ने दी है। 60 में से 26,000 शहीद, 43% शहादत। सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपनी फौज में समाज के सभी लोगों को शामिल किया था, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बराबर से शरीक। पूजा के दिन ये बढ़ता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो सब धर्म सब जात को एक साथ लेके भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। भारत में कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम लोग भारतीय हैं। तो ये वार्ता जो नेताजी का आदर्श के है, ये हम आज के युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं। आइए एक साथ भारतीय बन के भारत को हम लोग आगे ले चले, यही दुर्गा पूजा का जो वार्ता हम देना चाहते हैं मेरा देश के युवा को। दरअसल ये महान शख्सियत मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य द्वारा मुंबई में लोखंडवाला इलाके में आयोजित की गई दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए आए थे। ये कार्यक्रम मुंबई में बड़े शानदार ढंग से मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। हम लोग यहाँ पे अभी दुर्गा पूजा में आए हैं, आज दुर्गा पूजा का सप्तमी है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और थैंक यू अभिजीत जग के ये फेस्टिवल रखने के लिए, तो थैंक यू सो मच। Hi, I'm Kaurabi Dahanukar and I've come to this Lokhandwala Pandal. I come every year. Basically, this is a beautiful Modi and beautifully organized event and I really love coming here. It's very nice. It's very beautifully organized. Rajvindra ke saath, Abid Naqvi, Press 9 News, Mumbai.